वेल्सपन डील पर टाटा सन्स के आरोपों को मिस्त्री ने बताया बेबुनियाद। कहा टाटा सन्स बोर्ड और रतन टाटा तक को दी गई थी टाटा पावर वेल्सपन डील की जानकारी। लगाए गए आरोप तथ्यों से परे। रतन टाटा के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी पीएम को चिट्ठी। एयर एशिया डील में रतन टाटा के खिलाफ फ्रॉड का लगाया आरोप की एसआईटी जांच की मांग। टाटा ग्रुप से निकल सकता है शफूरजी पलोंजी ग्रुप। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिस्त्री परिवार का हिस्सा खरीदने के लिए टाटा ग्रुप को चाहिए 1600 करोड़ डॉलर। फंड्स के साथ बातचीत जारी। शफूरजी पलोंजी ग्रुप का टाटा ग्रुप में 18.5% हिस्सा। दिवाली पर कर्मचारियों को रतन टाटा ने दिया भरोसा। मौजूदा विवाद से ना घबराएं टाटा ग्रुप के कर्मचारी। कर्मचारियों को दिवाली की बधाई दी। सुप्रीम कोर्ट से डीएनडी टोल को राहत नहीं। अगली सुनवाई तक टोल वसूली पर जारी रहेगी रोक, लेकिन रख रखाव की जिम्मेदारी टोल कंपनी की। मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद। कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर 1 नवंबर को होगी बैठक। टेलीकॉम कंपनियों के सीईओस के साथ मनोज सिन्हा करेंगे बैठक। कॉल ड्रॉप पर लगाम कसने के लिए तैयार किया जाएगा रोडमैप। सीएम अखिलेश ने 3 और 5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के लिए बताया त्योहार। कहा मिलकर मनाएंगे फेस्टिवल। 3 तारीख से मिशन 2017 के लिए रथ यात्रा पर निकलेंगे अखिलेश। जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सरकार पर कड़ा बयान। कहा 9 महीने से क्यों दबाकर बैठे हैं फाइलें। क्या न्यायपालिका पर ताला लगाना चाहती है सरकार। पीएम मोदी भारत चीन बॉर्डर पर मनाएंगे दिवाली। 30 तारीख को 10,000 फीट ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों के साथ जलाएंगे दिए। बद्रीनाथ धाम के भी करेंगे दर्शन। राज्यसभा सांसद और एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिवाली पर जवानों को भेजा दिवाली संदेश। फौजी भाइयों के परिवार के साथ की दिवाली मनाने की अपील। हर परिवार को एक सैनिक का घर ढूंढना चाहिए, उसके घर में उनसे मिलकर इस दिवाली पर यदि उनकी कुछ चीज़ की कमी हो तो वो पूरी करनी चाहिए। हो सके तो उनके साथ मिलकर दिवाली का त्यौहार मनाएं, भले 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास सुविधा हो तो हो सके तो उनको अपने पास बुला लीजिए।